पब्लिक टीवी आपकी आवाज। थाना कटघा पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री सहित छात्र युवक को गिरफ्तार कर लिया, जिसका खुलासा पुलिस अधीक्षक नगर कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान किया गया। बताते चले कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश अनुसार चलाए जा रहे अभियान लुटेरों, पुरस्कार घोषित अपराधी एवं शस्त्र बनाने व रखने वालों के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी कटघर के कुशल निर्देश को कटघा पुलिस व एसओजी टीम द्वारा रामगंगा पुल से कटघा रेलवे स्टेशन रोड पर अभियुक्त मिक्की पुत्र अब्दुल बारी निवासी फरीदपुर हाजी थाना डिलारी को गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त गिरफ्तार व्यक्ति शातिर किस्म का अपराधी है तथा इसी अपराध में इसकी मां शकीला लगभग 2 वर्ष पूर्व थाना डिलारी से जेल जा चुकी है तथा इसका भाई महमूद अवैध शस्त्र बनाने में हल्द्वानी जेल में निरुद्ध है। उपरोक्त पकड़े गए अभियुक्त का पूरा परिवार अवैध शस्त्र बनाने में लिप्त है। इस प्रकरण में उप निरीक्षक अजयपाल सिंह में पुलिस टीम के थाना क्षेत्र में वास्ते वंचित अभियुक्त व रोकथाम मारा मामूर थे। तभी मुखबिर की सूचना मिली कि 2 व्यक्ति कटघा स्टेशन रोड पर पेड़े सीमेंट की पाइप की आड़ में अवैध शस्त्र फैक्ट्री चला रहे हैं। इस सूचना पर उप निरीक्षक टीम के साथ मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंचे तो वहां पर 2 व्यक्ति रोशनी में अवैध शस्त्र बनाते दिखाई दिए, जिसमें से मौके पर अभियुक्त मिक्की पकड़ा गया तथा एक पप्पू निवासी करूला मौके से अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। कटघा पुलिस के परिश्रम से अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई, जिससे जनता में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है। जनता द्वारा थाना कटघा पुलिस की भूरी भूरी प्रशंसा की जा रही है। पकड़े गए अभियुक्त के कब्जे से 10 तमंचे, 315 बोर व 12 बोर, 10 नाले, 315 बोर व 12 बोर, 10 ट्रोल, 1 लकड़ी काटने की आरी, 2 हथौड़ी, 1 चूड़ी काटने की 2.5 मशीन, 6 कमानी, 3 तमंचे, अधवने, 10 एजेक्टर, 3 ट्रेगर, गार्ड 1 प्लास्टिक के डिब्बे में सुहागा व पानी, 1 आरी लोहा काटने की, 1 सुई, 1 लोहे की पटरी, 4 तमंचे की बाड़ी, 10 हैमर, 2 तमंचे की बाड़ी की पत्तियां, 2 रेती, 1 बाघ बरामद हुआ। अवैध शस्त्र फैक्ट्री पकड़ने वाली टीम में उप निरीक्षक अजयपाल सिंह, अमित कुमार, अनिल कुमार, सुरेश शर्मा, सचिन राठी आदि मौजूद रहे। इस घटना का सनसनीखेज खुलासा एसपी सिटी द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान किया गया और पुलिस टीम की जमकर प्रशंसा व सराहना की गई। इसी क्रम में क्राइम ब्रांच की टीम ऐसी प्रभावित सूचना के आधार पर लगी कि एक व्यक्ति जो है वो इस तमंचे की फैक्ट्री बनाने का काम कर रहा है, जिसमें अवैध तमंचे बनाकर और दूसरे जनपदों तक सप्लाई किया जाए। इसी क्रम में जब पुख्ता सूचना प्राप्त हुई तो कटघर की टीम को साथ लेकर एसओजी द्वारा कटघर सुशाली रोड पर दबिश की गई, तो वहाँ पर 2 व्यक्ति इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जिनके कब्जे से 10 बने हुए तमंचे, 4 अनबने तमंचे, नाद, पाइप और अन्य उपकरण जिनसे तमंचे बनाए जा रहे हैं वो सब बरामद हुए। 1 अभियुक्त को मौके से पकड़ लिया गया, जिसका नाम दूसरा अभियुक्त मौके से भागने में फरार रहा। इसी पूरी फैक्ट्री को जब्त करके इस अभियुक्त के साथ जेल भेजा। इसके अलावा बताया गया कि जैसे जैसे डिमांड आती थी वैसे उसे सप्लाई करते रहे। इस जनपद के अलावा बाहर के जनपदों में इसकी सप्लाई थी, डिमांड के अनुसार अलग अलग जगह घूम के सप्लाई करते थे। और इसकी माँ और भाई जो है वो पूर्ण भी शस्त्र फैक्ट्री के अपराध में जेल जा चुके। पकड़े गए आरोपी का क्या अपराध है? शस्त्र फैक्ट्री का काम करता था और जो भी इसका पूर्व का अपराध के इतिहास उसकी तलाश की जाए। ये अनपढ़ है और इसी काम में इसे मार क्योंकि 3 से 4-5 हज़ार रुपये तक जैसा भी नकार करता था उसी के साथ ये कमल चुके। ये इसको अलग अलग जगह पर जैसे डिमांड आती थी वहाँ पर सप्लाई आई थी।